वेलकम स्टूडेंट, हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें दो लेक्चर पहले भी हो चुके हैं, तो मेरा थर्ड या फोर्थ लेक्चर होगा। तो फिर से एक बार जो आर्टेमिस मॉडल है उसको हम लेते हुए फिर आगे वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के केस में बहुत सारे मॉडल उस टाइम रिलेशनल डेटाबेस के लिए प्रपोज किए गए। उसमें सबसे पॉपुलर जो मॉडल था दैट इज प्रपोज्ड बाय ई एफ कॉट, दैट इज आईबीएम साइंटिस्ट इन 1970। आईबीएम साइंटिस्ट थे ई एफ कॉट, उन्होंने मॉडल प्रपोज किया। इट इज वेरी पॉपुलर मॉडल एंड इस मॉडल में एक कंसेप्ट क्या था, व्हाट इज कंसेप्ट बिहाइंड दिस मॉडल। इस बिहाइंड में सबसे मेन कंसेप्ट ये था कि इन द डेटाबेस ऑल द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। अ डेटाबेस कंटेन मल्टीपल टेबल एंड ऑल टेबल्स आर इंटररिलेटेड। यानी कि डेटाबेस में बहुत सारे टेबल होंगे और सारे टेबल्स इंटररिलेटेड होंगे। एवरी टेबल हैज यूनिक रिकॉर्ड, दे मेंटेन यूनिकनेस बाय अप्लाइंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट। तो ये सब सारी चीज़ों के बारे में जो ई एफ कॉट ने जो मॉडल दिया है उसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो इसको रिवाइज करते हुए हम फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि मॉडल है, मॉडल के बेस पर ही आगे सब चीज़ें बेस्ट हैं। इट इज़ वेरी पॉपुलर मॉडल और आप डेटाबेस कहीं भी पढ़ेंगे तो इस मॉडल को जानना आपके लिए बहुत मस्ट है। तो इस मॉडल की जो सबसे बड़ी खासियत होती है, तो यहाँ पे एक इम्प्लाइड टेबल दिया हुआ है। जैसे हमने आपको बताया, एवरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इनसाइड टेबल। इन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल एवरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इनसाइड टेबल। एंड व्हाट इज टेबल? ये टेबल सभी लोग जानते हैं, आपने देखा होगा कि टेबल फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। तो यहाँ पर देखिए इम्प्लाइड टेबल है। तो इम्प्लाइड टेबल इम्प्लाई टेबल है। तो इम्प्लाई टेबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हम लोग स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या है, देखिए नेम है, इम्प्लाई आईडी है, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, ये अलग अलग फील्ड्स हैं जिसमें उस फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू रिलेशनल डेटाबेस मॉडल इम्प्लाई टेबल यानी जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं उसको टेक्निकल टर्म में यानी कि आरडीबीएस टर्म में इस टेबल को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशन। और टेबल इज कॉल्ड रिलेशन हियर, और टेबल इज कॉल्ड रिलेशन। सी द थर्ड पॉइंट हियर, टेबल इज कॉल्ड रिलेशन। अ रो इज कॉल्ड टपल, यानी जो इन्फॉर्मेशन टेबल के फॉर्म में स्टोर होती है तो उसमें जो देखिए रो फर्स्ट, रो सेकेंड, रो थर्ड है ना, तो इसमें जो ए है इन्फॉर्मेशन नेहा मेहता, तो इन्फॉर्मेशन स्टोर है। दिस इज वॉट, दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर रो, एक पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर रो इज कॉल्ड व्हाट, टपल। यानी कि एक रो में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टपल कहते हैं। अ कॉलम इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। देखिए यहाँ पे नेम है, एम्प्लॉई आईडी है, जेंडर है, सैलरी है, डेट ऑफ बर्थ, दिस इज व्हाट, दिस आर कॉलम्स, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं टपल, एट्रीब्यूट बोलते हैं। वेल, नेक्स्ट हम आते हैं, द डेटा टाइप्स ऑफ वैल्यूज इन इस कॉलम इज कॉल्ड डोमेन। और यहाँ पे जैसे नेम है, इम्प्लाई आईडी है, जेंडर है, तो सबका अपना एक यूनिक डेटा टाइप होता है। अपना एक यूनिक डेटा टाइप होने का मतलब कि उसी के रिगार्डिंग उनको समझा जाता है कि किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। सपोज नेम, इम्प्लाई आईडी, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, दीज आर डिफरेंट फील्ड एंड दिस फील्ड स्टोरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज। सपोज नेम, नेम स्टोर व्हाट, कैरेक्टर वैल्यू। इम्प्लाई आईडी, हियर इम्प्लाई आईडी कंटेन द न्यूमेरिक वैल्यू। जेंडर, देन वी सी द सैलरी, सैलरी आल्सो कंटेन न्यूमेरिक वैल्यू। डेट ऑफ बर्थ, डेट टाइम, डेटा टाइप्स। यहाँ पर अलग अलग डेटा टाइप्स हैं, जैसे यहाँ पर इम्प्लाई आईडी है। इम्प्लाई आईडी में अगर कोई यूज़र डेटा इंसर्ट कर रहा है
और उस डेटा इंसर्शन में अगर उसने कुछ ऐसा इंसर्ट किया उसे इंसर्ट नहीं करना चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 to 1 है, वहाँ पे इसने E0256 ऐसे कुछ इंटर किया, तो वहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू वगैरह अलाउड नहीं, तो इंटर करेगा तो क्या होगा, एक्सेप्टेबल तो हो जाएगा लेकिन क्या वैलिड डेटा कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं जिसके रिगार्डिंग हम एक पर्टिकुलर फील्ड में डेटा को इंटर करते हैं। जैसे यहाँ पे सैलरी है, सैलरी न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन अगर आप ABCDXYZ इंसर्ट करें तो अवेलेबल नहीं होगा, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, मीनिंगलेस होगा। तो इसलिए जब भी पर्टिकुलर फील्ड में जो भी वैल्यू हम इंसर्ट करें, दैट इज़ व्हाट, कि जो भी वैल्यू हो वो एश्योर्ड हो कि ये जेन्युइन डेटा ही वहाँ पे इंटर किया जा रहा है। तो उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ अलग अलग किस टाइप की वैल्यू डेटा टाइप्स होते हैं उसके रिगार्डिंग हम उस पर्टिकुलर फील्ड में हम डेटा को इंटर करते हैं। देखिए यहाँ पे द डेटा टाइप्स ऑफ वैल्यू इन इस कॉलम इज कॉल्ड डॉम, ओके, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ रिलेशन। हियर द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, कितने एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, एम्प्लॉई आईडी, सेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, हियर इज 5। तो हम कह सकते हैं क्या डिग्री क्या होगी इस केस में, इस केस में कह सकते हैं डिग्री इज व्हाट, डिग्री फॉर दिस रिलेशन इज 5। डिग्री इज इक्वल टू 5। द नंबर ऑफ रोज इन रिलेशन इज कॉल्ड कॉर्डिनलिटी, अगर कॉर्डिनलिटी की बात करें कॉर्डिनलिटी फॉर दिस रिलेशन इज व्हाट, कॉर्डिनलिटी फॉर दिस रिलेशन इज व्हाट, देयर इज नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे कितनी रोज हैं, 3 हैं, तो कॉर्डिनलिटी कितनी होगी, 3 होगी। फिर इस तरीके से हम दिखा सकते हैं यहाँ पे द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन कॉल्ड डिग्री, फिर नंबर ऑफ रोज इन रिलेशन कॉल्ड व्हाट, कॉर्डिनलिटी। हम देखिए जो पॉइंट हम हाईलाइट कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग आप लोग नोट तैयार करते रहिएगा कि आपके नोट्स में पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए। रिलेशन स्कीमा आर डिनोटेड बाय आर, A1, A2, A3, AL। यानी कि अगर हम किसी पर्टिकुलर टेबल में जो वैल्यू स्टोर हो रही है तो उसका रिलेशन स्कीमा कैसे हम डिनोट करेंगे, तो रिलेशन स्कीमा अगर यहाँ पे राइट डाउन करना हो तो यहाँ पे आपका टेबल कौन सा है, एम्प्लाई है, एम्प्लाई के अंदर A1, OT, A2, A3, A4 जो अलग अलग फील्ड्स हैं, एट्रीब्यूट नेम है, वो मेंशन करेंगे हम लोग। इसको हम आगे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। वेयर आर इज रिलेशन नेम एंड A1, A2, A3 आर व्हाट, लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आर इज रिलेशन नेम एंड दिस आर व्हाट, A1, A2, A3, ANR, लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट। यानी कि अगर इसको उस फॉर्म में चेंज करना हो तो इम्प्लाई विद इन ब्रैकेट जो एट्रीब्यूट लिस्ट है, देखिए यहाँ पर एट्रीब्यूट क्या है, नेम है कॉमा इम्प्लाई आईडी, जेंडर कॉमा सैलरी कॉमा डेट ऑफ बर्थ, इसको ऐसे मेंशन करेंगे। इसी एग्जांपल को इसी जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशन एग्जांपल दिया हुआ है उसको आगे हम देखेंगे। जो पॉइंट्स हैं आरडीएमएस कॉन्सेप्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और आई होप कोई भी डेटाबेस मॉडल हो या कोई भी डेटाबेस आप डेवलप करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका रिलेशनल स्टेट, इस सेट ऑफ टपल्स इन रिलेशन एट पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, रिलेशन स्टेट इस सेट ऑफ टपल्स इन रिलेशन एट एनी पॉइंट इन टाइम। रिलेशन स्टेट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितने टपल्स, कितने रोज, कितनी वैल्यू स्टोर है उसको डिनोट करता है। रिलेशनल स्कीमा को आपने देख लिया कि आर विद इन ब्रैकेट A1 कॉमा A2 कॉमा A3 डॉट 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 AN,
मतलब कि जो आपका रिलेशन नेम है, इसके बाद जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम मेंशन करेंगे। लेकिन अगर रिलेशनल स्टेट की बात करें तो इट इज डिनोटेड बाई आर सेट ऑफ एन टपल्स। देखिए यहाँ पे आर विद इन ब्रैकेट आर, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर आर के लिए देखिए, उसमें हम जो यहाँ पे आर मेंशन करते हैं तो नंबर ऑफ टपल्स, नंबर ऑफ टपल्स देखिए यहाँ पे t1, t2, t3, t4... मतलब जितना भी टी होगा, टपल्स होगा, जितना भी रो होगा, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। वेयर इस एन टपल ऑर्डर लिस्ट वैल्यू t v1 v2 v3 v। और हर एक टपल में अलग अलग वैल्यूज होंगी। सपोज करिए कि पहले टपल है जिसमें एक पर्टिकुलर एंटिटी का डिटेल होगा, पर्टिकुलर एम्प्लाई का डिटेल है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की जाएंगी। एंड वेयर यहाँ पे a1 a2 a3 जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यूज क्या है पर टपल के लिए, वो उनको यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। तो फाइनली और इसमें या हो सकता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में नल वैल्यू भी हो। नल वैल्यू मतलब कि वो फील्ड ब्लैंक हो। फॉर एग्जांपल सपोज कि किसी कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर ना हो तो वहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, ब्लैंक फील्ड, उसको छोड़ देंगे ऐसे ही। हेंस राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस द एबल एग्जांपल। यहाँ पे हम इस रिलेशन को देखते हैं, जो रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि ए इम्प्लाई टेबल है। इम्प्लाई टेबल में नेम, इम्प्लाई आईडी, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो इसको हम एग्जांपल के फॉर्म से कैसे अंडरस्टूड करेंगे इसको हम लोग देख रहे हैं। इम्प्लाई टेबल इज रिलेशन, जो इम्प्लाई टेबल क्रिएट किया गया है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। रिलेशन डेटाबेस मॉडल में यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में क्या होगा, टेबल दे दिया जाएगा, उसके बारे में पूछा जाएगा, राइट द नेम ऑफ रिलेशन, जो टेबल का नाम होगा क्योंकि टेबल को रिलेशन कहते हैं, द नेम ऑफ टेबल इज नेम ऑफ रिलेशन। हियर इम्प्लाइड टेबल इज अ रिलेशन। देयर आर थ्री टपल्स इन इम्प्लाइड रिलेशन, तीन टपल्स हैं यहाँ पे, तीन टेबल्स का मतलब यहाँ पे तीन कॉलम्स हैं। देखिए यहाँ पे नेहा मेहता, पारस बंसल, हिमानी वर्मा, ये तीन जो एम्प्लाई, इनके बारे में बाकी डिटेल्स हैं। इनका एम्प्लाई आईडी है, जेंडर है, सैलरी है और डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे थ्री टेबल्स हैं। ओके वेल अगले पॉइंट पे आते हैं। एग्जाम्पल है नेम, एम्प्लाई आईडी, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ और एट्रीब्यूट्स। फिर यहाँ पे आते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेम है, ये नेम एम्प्लाई आईडी, दिस इज नेम एम्प्लाई आईडी, जेंडर, सैलरी एंड डेट ऑफ बर्थ, दिस आर कंसीडर्ड एज व्हाट, एट्रीब्यूट। जो कॉलम्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द नेम ऑफ एट्रीब्यूट इन गिवन टेबल। ओके इसको आप इस तरीके से कर लेंगे। द डोमेन इज सेट ऑफ एटॉमिक और इनविजिबल वैल्यू, सॉरी इंडिविजुअल वैल्यू। द डोमेन ऑफ डेटाबेस एट्रीब्यूट इज सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज दैट एट्रीब्यूट में कंटेन इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई द डोमेन वी स्पेसिफाई द डेटा टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। देखिए यहाँ पे डोमेन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर फील्ड किस टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। अ पर्टिकुलर फील्ड स्टोर विस काइंड ऑफ डेटा या विस रेंज ऑफ डेटा। सपोज करिए कि यहाँ पे जो सैलरी रेंज डिफाइन करनी है हमको, तो सैलरी रेंज कितनी होनी चाहिए, जॉब क्राइटेरिया जो होगा उसके रिगार्डिंग की सैलरी रेंज है। लेकिन कंपनी ने अपनी पॉलिसी बना रखी है कि हमें सैलरी देना है किसी एम्प्लॉई को 10,000 to 50,000 के बीच, मुझे सैलरी देना है। तो जो सैलरी होगी उस रेंज में इंटर की जाएगी, गलती से कोई और सैलरी वैल्यू वहाँ पे इंटर की जा रही है,
हमारा डेटाबेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, सैलरी अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन अगर वहाँ पे कोई टेक्सचुअल वैल्यू गलती से इंटर हो रही है तो हमारा डेटाबेस उसको एक्सेप्ट ना करे। तो उसके लिए हर एक अट्रीब्यूट का, हर एक फील्ड का, एक स्पेसिफिक डेटा टाइप्स होता है। यहाँ पे नेम, देखिए नेम है, नेम अट्रीब्यूट, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्रिप्शन द नेम ऑफ पर्सन। ओके, जो नेम है क्या है, इसको हम ऐसा फील्ड है जो एक पर्सन का नेम कंटेन करेगा। सब लोग जानते हैं नेम इज स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। नेक्स्ट आपका एम्प्लॉय आईडी, देखिए यहाँ पे अगर डोमेन को डिफाइन करना हो, डोमेन इज ओके डोमेन इज डेटाबेस एट्रीब्यूट इन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट एट्रीब्यूट में कंटेन। In order to specify your domain, we specify the data types of that attribute. Domain को specify define करने के लिए हम particular attribute का data type को define करते हैं। Next है आपका employee ID, देख लिया आपने यहाँ पर कितने digits हैं, maximum 4 digits, और numeric value store कर रहे तो हम numeric male mention कर लेंगे। देखिए gender male female, अगर इंटर मेल होगा तो फीमेल होगा, दो टाइप की वैल्यू होगी। कैरेक्टर टाइप का तो है लेकिन तीसरी वैल्यू आप इंटर नहीं कर सकते। वी नीड टू इंसर्ट ओनली द पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेंडर इज व्हाट, मेल और फीमेल, कोई थर्ड जेंडर नहीं हो सकता। देखिए नेम में अलग अलग नेम हो सकते हैं लेकिन जेंडर में फिक्स है। तो वहाँ पर हम अगर इस वैल्यू को स्पेसिफाई कर दें तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई वैल्यू इंटर हो रही है दैट वैल्यू शुड बी आइदर मेल और फीमेल। सैलरी, इस सैलरी वाला जो कॉलम है, सैलरी वाले कॉलम में वी स्पेसिफाई द सैलरी इन द फॉर्म ऑफ नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू। हम सैलरी को न्यूमेरिक वैल्यू को फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। डेट ऑफ बर्थ शुड बी अ वैलिड डेट, मंथ एंड ईयर, सब लोग जानते हैं डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट होगा उसी फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ को एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, डिग्री ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन इज व्हाट, 5, हमने आपको बताया था। डिग्री ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन 5, द कॉर्डिनेलिटी ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन इज 3। व्हाट इज कॉर्डिनेलिटी, द नंबर ऑफ टपल। व्हाट इज डिग्री, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, हमने आपको डिस्कस करे उसको बताया गया था इसमें। नेक्स्ट आपका रिलेशनल स्कीमा, व्हाट इज बाय रिलेशनल स्कीमा। रिलेशनल स्कीमा मीन्स रिलेशन कंटेन द पॉसिबल अट्रीब्यूट, एक रिलेशन में कौन कौन से पॉसिबल अट्रीब्यूट होंगे उनको रिलेशनल स्कीमा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रिलेशनल स्कीमा, तो यहाँ पे एम्प्लाई है, टेबल एम्प्लाई है, इसमें कौन कौन सी फील्ड है, एम्प्लाई आई डी, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ। रिलेशनल स्कीमा को अगर एक टेबल ले लिया जाए, आपसे कहा जाए राइट द नेम ऑफ, राइट द रिलेशनल स्कीमा फॉर द गिवन टेबल्स, देन यू कैन मेंशन द रिलेशनल स्कीमा इन सच ए वे। नेक्स्ट है आपका रिलेशनल स्टेट, देखिए रिलेशनल स्टेट में हम इस डिफिनेशन पे जाएं, रिलेशनल स्टेट में T1 और विद इन ब्रैकेट R, ये याद होगा आप लोगों को, देखिए दिखा देते हैं। देखिए रिलेशनल स्टेट डोनेटेड बाई वॉट, और R within bracket R, where R is equal to T1 comma T2 comma T3 dot dot dot, ऐसे मेंशन किया हुआ है, और where T tuples क्या है, V1 V2 V3 Vn, तो इसको हम यहाँ पे इस example से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए रिलेशन स्टेट अगर मेंशन करना हो कि टपल T1, T1 टपल में क्या है, नेता मेहता, एम्प्लॉय आई डी है, जेंडर है, सैलरी है, डेटा बर्थ मेंशन किया हुआ, तो इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर एक पर्टिकुलर टपल्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड की, T1 हो गया, दिस इज T2 एंड दिस इज T3 टपल। तो रिलेशन स्टेट को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं।
ऊपर जो चीज़ें आपको बताई गई एक एग्जांपल के फॉर्म में समझाया गया, तो ऐसे एग्जामिनेशन में आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस मॉडल एंड डिफाइन द फॉलोइंग थिंग्स इन द RDBMS। एक रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में इन सब चीज़ों को डिफाइन करिए, या कोई एग्जांपल दे दिया जाएगा उसमें बाकी चीज़ें पूछ ली, यहाँ पर रीजनिंग स्कीमा राइट डाउन करिए, रीजनिंग स्टेट राइट डाउन करिए, तो आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, इसमें कुछ और चीज़ें हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वही थी, उसको आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे और जो चीज़ें हैं कि जो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी। कभी कभी ये होता है कि पर्टिकुलर टेबल में, पर्टिकुलर रिलेशन में, कि बहुत सारी फील्ड होती हैं तो कुछ फील्ड में कभी कभी वैल्यू अवेलेबल नहीं होती हैं, तो उस फील्ड को कभी कभी हम वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी फील्ड होती हैं कि जिसमें हर हाल में वैल्यू प्रोवाइड करना ही होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की हायरिंग हो रही है, एक एम्प्लॉय का डेटा टेबल में स्टोर किया जा रहा है, तो उसका नेम ज़रूर होना चाहिए। अगर नाम नहीं होगा तो उसका रिकॉर्ड सेव नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उसका कॉन्टैक्ट नहीं है तो उसका रिकॉर्ड सेव किया जा सकता है। हो सकता है कॉन्टैक्ट नंबर उसके पास इस समय ना हो, लेकिन उसका नेम ज़रूर होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं तो एक पर्टिकुलर डेटाबेस में जरूर मेंशन होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उनका डेटा ही वहाँ पे स्टोर नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पे RDBMS कॉन्सेप्ट में नल वैल्यू नॉट नल, तो पर्टिकुलर फील्ड में अगर नॉट नल अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब दैट पर्टिकुलर फील्ड मस्ट हैव सम वैल्यू। इफ यू अप्लाई नॉट नल दैट मीन्स द पर्टिकुलर फील्ड नॉट हैव दिस वैल्यू, यानी कि मैंडेट नहीं है, यानी कि उसमें हम नल वैल्यू भी इंटर कर सकते हैं, यानी कि उस फील्ड को ब्लैंक भी, ब्लैंक नहीं कर सकते, नल वैल्यू, ब्लैंक का मतलब कुछ अलग होता है, तो नल वैल्यू मतलब इसमें कोई वैल्यू नहीं। अब जो नेक्स्ट कंटेंट है आपका टॉपिक है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कॉन्स्टेंट। तो अगर कॉन्स्टेंट को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो वी कैन डिफाइन कॉन्स्टेंट और रिस्ट्रिक्शन ऑन द वैल्यूज स्टोर्ड इन द डेटाबेस ऑन द रिक्वायरमेंट्स। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि जो हम पर्टिकुलर फील्ड में जो वैल्यू स्टोर करते हैं उस पर कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि कितनी वैल्यू या क्या वैल्यू उसमें स्टोर की जाए। सपोज करिए कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, द डेटा बर्थ मस्ट बी सच एज डेटा बर्थ ग्रेटर देन 85। अगर पर्टिकुलर पर्सन का डेटा बर्थ 85 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 85 के पहले का डेटा बर्थ होना चाहिए, तो वहाँ पे हम डोमेन कॉन्स्टेंट के थ्रू लगा सकते हैं। वी कैन डिस्क्राइब द बिलो वेरियस टाइप ऑफ डोमेन कॉन्स्टेंट रिलेशनल मॉडल। तो एक रिलेशनल मॉडल में वेरियस काइंड ऑफ डोमेन कॉन्स्टेंट होते हैं, तो इसको हम एक एक करके यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। पहला है कॉन्स्टेंट होते हैं, तो जो रिलेशनल मॉडल में कॉन्स्टेंट है, देखिए यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है, पहला है आपका डोमेन कॉन्स्टेंट। इट इज द वैल्यू ऑफ एवरी एट्रीब्यूट इन इस टेबल मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ डोमेन एट्रीब्यूट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CBSE की जो लाइंस होती हैं, CBSE बोर्ड की जो बुक्स होती हैं, उसकी जो लाइंस होती हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे राइट द अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। ओके, इट इज फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ एवरी एट्रीब्यूट इन ईच टपल मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ डोमेन ऑफ दैट एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कि हर एक एम्प्लॉई आईडी है, दैट शुड बी मस्ट 4 डिजिट नंबर। अगर हमने एम्प्लॉय आईडी 4 डिजिट नंबर का न्यूमेरिक वैल्यू इसको डिफाइन किया, तो हम इसमें क्या इंटर कर सकते हैं? देखिए 1, 2, 3, 4 4 डिजिट का कोई नंबर हो सकता है मैक्सिमम। ऐसा नहीं हो सकता कि AB12 AB001 या A000001 A001, ऐसे हम कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं कर सकते। न्यूमेरिक वैल्यू है तो कोई 4 न्यूमेरिक वैल्यू ही होना चाहिए। वेल, जैसे एम्प्लॉय आईडी में देखिए, अगर यहाँ पे A12321 ये 5 डिजिट का हो गया और A234 ये दोनों वायलेट कर रहे हैं, दिस 4 वायलेट द डोमेन कॉन्स्टेंट, दोनों वायलेट कर रहे हैं, इसलिए पॉसिबल वैल्यू ये नहीं है, यानी कि इस टाइप की वैल्यू हमारे डेटाबेस में एम्प्लॉय आईडी में स्टोर नहीं होगी। वायलेट होंगी तो हमारे डेटाबेस में कोई स्टोर करने नहीं रहेगा।
डोमेन कांस्टेंट एडिफाई करता है कि किस टाइप का डेटा और किस रेंज की वैल्यू, जैसा हमने कस्टम डिफाइन कर रखा है, हमारे डेटाबेस में स्टोर हो। नेक्स्ट है आपका की कांस्टेंट। तो डोमेन कांस्टेंट हम लोग जब डेटाबेस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ डोमेन कांस्टेंट आपको यहाँ पे बताया जाएगा लैब में, तो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे। नेक्स्ट है आपका की कांस्टेंट। की कांस्टेंट बिफोर वी एक्सप्लेन द की कांस्टेंट यू नीड टू डिस्क्राइब इन द टर्म्स ऑफ सुपर की। ये की कांस्टेंट डिस्कस करने से पहले यहाँ पे सुपर की है, कैंडिडेट की है एंड प्राइमरी की है। की को डिस्कस करने से पहले हमें सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की, इन सब के बारे में जानना होगा। देखिए रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में जो डिस्कस किया गया उसमें ये बताया गया कि एवरी टपल्स इन अ रिलेशन इज यूनिक, देर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। यानी जितने भी रोज होंगे उस रोज में जो वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगी, यूनिक होगी। सपोज करिए कि अगर हम इसी टेबल की बात करें, ऊपर वाली टेबल की बात करें, यहीं पे देख लेते हैं, इसमें तीन टेबल्स हैं, मान चलिए तीन लोग हैं जिनका नाम पारस पंसल है, मेल है, सैलरी भी उनकी वही है, डेट ऑफ बर्थ भी उनका वही हो सकता है, लेकिन क्या सबका एम्प्लॉई आईडी सेम हो सकता है? नहीं, सबका एम्प्लॉई आईडी अलग अलग होगा। अगर एम्प्लॉई आईडी भी सेम हो जाए दैट इज व्हाट, दिस इज डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। यानी कि एक ही डेटा को बार बार राइट डाउन किया जा रहा है। एक पॉसिबल है कि नेम में वैल्यू सेम हो सकती है, दो लोगों का नाम सेम हो सकता है, तीन लोगों का नाम सेम हो सकता है, थ्री पर्सन का जेंडर सेम हो सकता है, थ्री पर्सन की सैलरी सेम हो सकती है, डेटा ऑफ बर्थ सेम हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉई आईडी सेम नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि इन रिलेशन मॉडल ऑल द टपल्स हैव यूनिक वैल्यूज, सारे टपल्स में यूनिक वैल्यूज होती हैं, इसलिए की कांस्टेंट, सुपर की का कांस्टेंट जो है, सुपर की इज ऑटिबिन रिलेशन विज नो टू टपल्स रिलेशन स्टेट हैव द सेम कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज। देखिए सुपर की यही कहता है कि दो जो टपल्स हैं सेम सेट ऑफ वैल्यू नहीं रह सकते, वो डिफरेंट है। तो इस केस में हम अलग अलग, देखिए सुपर कीज का कंसेप्ट ये होता है कि इट्स यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ टेबल, एक टेबल में एक रिलेशन में रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे द कम्बिनेशन ऑफ कीज, देखिए यहाँ पे नेम, एम्प्लॉई आईडी, सेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो भी रिलेशन होगा वो सारे फील्ड का कॉम्बिनेशन डिफॉल्ट सुपर की होता है। ओके, दिस इज डिफॉल्ट सुपर की, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एट्रीब्यूट। कंटेनिंग कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एट्रीब्यूट, देखिए यहाँ पे ऑल एट्रीब्यूट्स है, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो सुपर की होता है उसमें सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। नेक्स्ट है नेम, एम्प्लॉई आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये भी हो सकता है। देखिए एम्प्लॉई आईडी यूनिक होगा, नेम, एम्प्लॉई आईडी सबका अलग अलग होगा, नेम दोनों का ही हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबल सुपर की है। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉई आईडी, जेंडर, सैलरी। देखिए इसमें एक एक फील्ड को हम इलिमिनेट करते जाएंगे और वहाँ पर हमें थिंक करना है कि कहीं अगर इनको इलिमिनेट कर दिया जाए तो एक पर्टिकुलर रो का डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर नेम को देखिए यहाँ पे हमने ऊपर से पांच फील्ड थी, नेम, एम्प्लॉई आईडी, सेंडर और सैलरी को हमने एलिमिनेट कर दिया, तो इसमें बचा डेट ऑफ बर्थ। तो इसमें नेम, एम्प्लॉई आईडी, डेट ऑफ बर्थ दोनों का नेम सेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉई आईडी डिफरेंट होगी, यानी कि डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई होगा, तो एक सुपर की होगी दूसरी जो पॉसिबल सुपर कीज हैं। ऐसे ही एम्प्लॉई आईडी, जेंडर, सैलरी, दो लोगों का जेंडर सेम हो सकता है, सैलरी सेम हो सकती है, लेकिन एम्प्लॉई आईडी डिफरेंट होगा, इसलिए क्या है, दिस इज कम्बिनेशन ऑफ सुपर की, एक पॉसिबल कम्बिनेशन ये भी है। दिस इज ऑल पॉसिबल सुपर कीज, देखिए सुपर की। ओके, और नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉई आईडी।
अगर सारे फील्ड को एलिमिनेट कर दिया जाए तो क्योर इम्प्लाई आई डी के बिहाफ पे हम एक पर्टिकुलर डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि आई वांट नो द सैलरी, आई वांट टू नेम, आई वांट टू नो द सैलरी ऑफ पर्टिकुलर इम्प्लाई मोहन, मंथली की मोहन नाम के इम्प्लाई की सैलरी जानना चाहते हैं। अगर हम ऐसे सर्च करें तो देखेंगे मोहन नाम के अगर 10 इम्प्लाई 10 रूम सैलरी आ जाएगी तो कौन सा मोहन आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसका एम्प्लाई आईडी पता हो, एम्प्लाई आईडी 00012, तो उस केस में हमारे जो वैल्यूज़ हैं काफ़ी इजीली आइडेंटिफाइड हो पाएंगे। वेल देखिए, हाउ एवर जेंडर सैलरी इज नॉट सुपर की, और इस केस में अगर जेंडर और सैलरी को देखा जाए अलग से इन फील्ड को अगर मेंशन किया जाए तो क्या रिकॉर्ड को इनकी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इनको सुपर की कंसीडर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम लोग सुपर की कौन सी फील्ड सुपर की होंगी, कौन सी फील्ड सुपर की नहीं होंगी, इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आप लोगों ने देखा कि जो पॉसिबल वैल्यूज जो फील्ड्स हैं, तो यहाँ पे जो 5 पॉसिबल सुपर की कम्बिनेशन हैं, यानी कि एक की फील्ड हो सकती है। की फील्ड का मतलब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन ए टेबल यूनिकली, एक फील्ड अ कम्बिनेशन ऑफ फील्ड जो हमारे रिलेशन में रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करें। अगर जेंडर और सैलरी की बात करें, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एट अ सुपर की, जैसे नेम एंड जेंडर, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, तो ये पॉसिबल कम्बिनेशन है, लेकिन क्या है सुपर की बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही पर्सन का नेम अलग अलग हो सकता है, सेम हो सकता है, सेम डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैंशन किया हुआ है, और की इज द मिनिमल सुपर की, विच मीन्स की क्या होता है, की फील्ड, द की इज मिनिमल सुपर की, विच मीन्स दैट सुपर की ऑफ रिलेशन फ्रॉम विच एनी आर्टिफिट रिमूव नो लॉन्गर बी रिमेन सुपर की। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कंसीडर करिए कि यहाँ पे ये डी वाला है, अगर डी वाला में से अगर हम नेम को एलिमिनेट कर दें तो इम्प्लाई और जेंडर क्या एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे? अगर आपका आंसर हाँ में है तो सुपर की है। लेकिन अगर इसी में से हम इम्प्लाई आईडी को रिमूव कर दें, क्या नेम और जेंडर हमारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो आपका आंसर ऐसा या नो है, नो, क्योंकि दो लोगों का नाम सेम हो सकता है, दो पर्सन का जेंडर सेम हो सकता है, तो उनके रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगे। तो इस केस में अगर इम्प्लाई आईडी को रिमूव कर दिया जा रहा है तो क्या होगा, वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है विच मीन्स द सुपर की ऑफ रिलेशन विच एनी आर्टिफिट रिमूव इट नो लॉन्गर बी रिमेन द सुपर की। अगर कोई आर्टिफिट रिमूव करने के बाद वो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है तो सुपर की नहीं होगा। ओके देखिए एक पर्सन टेबल है, रिलेशन है, इसमें डिफरेंट फील्ड दी हुई है, जिसमें आपका आधार नंबर, पैन नंबर, वोटर आईडी, नेम ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन रिलेशन देयर आर 3 कीज, इस रिलेशन में 3 कीज वैल्यू हैं जो हमारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। द पर्सन, द रिलेशन हैज 3, नेमली आधार नंबर, पैन नंबर, वोटर आईडी, एस एवरी इंडिविजुअल इन इंडिया हैज़ बी यूनिक। देखिए यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल इंडिया में रहता है तो सबके पास अपना ये यूनिक आधार नंबर होता है, पैन नंबर होता है, तो उसके रिगार्डिंग वो डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे आते हैं हम कैंडिडेट की, अ की एज डिस्क्राइब एबव इज कॉल्ड कैंडिडेट की।
देखिए कैंडिडेट की में क्या होता है कि की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाई रिकॉर्ड यूनिकली। देखिए आप पर्सन टेबल की बात करें तो पर्सन टेबल में आधार नंबर है, पैन नंबर है, वोटर आईडी, तीनों के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं पूरी रिलेशन में। यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन का जो पैन नंबर होगा ऑल ओवर इंडिया यूनिक होगा, आधार नंबर यूनिक होगा, वोटर आईडी नंबर यूनिक होगा, यानी कि तीनों फील्ड एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दे हैव एबिलिटी टू बिकम द प्राइमरी की, सॉरी की फील्ड, यानी कि की फील्ड कंसीडर की जा सकती है। तो कैंडिडेट की दिस एबिलिटी बिकम द विच एबिलिटी टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इन अ रिलेशन। तो यहाँ पे तीन थ्री की वैल्यूज हैं, जैसे आधार है, पैन है और आईडी वोटर आईडी है। तो तीनों यूनिकली जो फील्ड्स हैं ये रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला है आपका प्राइमरी की कंसेप्ट। प्राइमरी की इस कैंडिडेट की इसमें भी डिजाइन डेजिग्नेटेड है प्राइमरी की। देखिए जब कैंडिडेट की आप लोग समझ चुके हैं, कैंडिडेट की में जो कीस रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हैं तो कैंडिडेट की कंसीडर की जाती है। और उसमें से उस कैंडिडेट की में से कोई एक की वैल्यू या कम्बिनेशन ऑफ की वैल्यू जो हमारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, दैट इज कंसीडर्ड एज व्हाट प्राइमरी की। आपने देखा कि यहाँ पे आधार नंबर, पैन नंबर, वोटर आईडी, दिस आर कैंडिडेट की, और इसमें से हम किसी एक को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। ये पर्सन में यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आधार नंबर है प्राइमरी की। यहाँ पे बहुत सारे इस पर्सन टेबल में देखिए आधार नंबर है, पैन नंबर, वोटर कार्ड, ये तीन फील्ड हैं। इसके अलावा नेम और डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये रिपीट होंगी। तो हम चाहें आधार नंबर, पैन नंबर या वोटर आईडी कार्ड, इसमें से किसी एक को प्राइमरी की कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आधार नंबर को प्राइमरी की कंसिडर किया गया है। इसको फिगर के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, सुपर कीस, कैंडिडेट कीस एंड प्राइमरी कीस। नल वैल्यू कांस्टेंट, नल वैल्यू कांस्टेंट को देख लीजिए, रिक्वायर्ड दैट सर्टेन एट्रीब्यूट कैन नॉट हैव नल वैल्यू। जब नल वैल्यू कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं कि ऐसा कभी कभी होता है कि हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक फील्ड में वो कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर रखे, जैसे इम्प्लाई नेम, तो नेम में नाम जरूर होना चाहिए। तो उस केस में द इम्प्लाई नेम और ट्रिब्यूट कंसीडर्ड एट नॉट नल। ओके, यानी कि उस फील्ड को नॉट नल करेंगे, दैट मीन्स वी मस्ट हैव इंटर्ड सम वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, दिस कॉन्स्टेंट इज बाय द प्राइमरी की इन रिलेशन। This constant is by the primary key of relation, cannot have null value. This relation behind the constant. देखिए यहाँ पे integrity constant का मतलब होता है कि एक particular entity की uniqueness को define करना। अगर मान चलिए कि अगर हमने जो primary key is value है, अगर हम उसमें null को allow कर दिया, null का मतलब अगर किसी का आधार number नहीं है तो आधार number नहीं देगा। पता चला कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में 10 लोगों के पास आधार कार्ड उन्होंने नहीं बनवाया, 10 लोगों का आधार नंबर नहीं होगा, उनके रिकॉर्ड को कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाएगा, नहीं कह सकता। तो आई वॉन्ट टू नो द नेम ऑफ पर्सन विच डोंट हैव द आधार नंबर। हम ऐसे यानी जिनके पास आधार कार्ड नहीं, उन लोगों का नाम जानना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों की लिस्ट आ जाएगी, तो रिकॉर्ड का यूनिकनेस वहाँ मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो उस केस में जहाँ पे नल वैल्यू होगी वहाँ पे डुप्लीकेशन होगा, यानी कि नल के लिए जब नल आधार नंबर वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे, इसकी जो
इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता है, यानी जिसको हम प्राइमरी की कंसीडर करते हैं तो उसकी वैल्यू को नॉट नल करते हैं। हाँ, जैसे अगर आपका कॉन्टेक्ट नंबर वाला फील्ड है तो उसको नल को अलाउ कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर किसी का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है तभी उसकी रिकॉर्ड की एंट्री की जाए। नेक्स्ट है आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। क्या होता है रेफरेंशियल? दिस कांस्टेंट इज स्पेसिफाइड बिटवीन टू रिलेशन। देखिए ये जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये दो रिलेशन के बीच में इस्टेब्लिश किया जाता है, यानी दो रिलेशन के बीच में होता है, दो टेबल के बीच में ये होता है। इसको पहले अंडरस्टूड करने से पहले हमें फॉरेन की को समझना होगा। एक फॉरेन की क्या होती है? तो फॉरेन की इन रिलेशन आर ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन आर वन दैट रिफर टू प्राइमरी की रिलेशन ऑफ आर टू। ओके, देखिए फॉरेन की इन अ रिलेशन आर वन इज सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन आर वन दैट रिफर टू प्राइमरी की इन एन अदर रिलेशन। देखिए यहाँ पे जो ये डिपार्टमेंट आईडी है, देखिए यहाँ पे दो टेबल्स के फॉर्म इसको समझाया गया है। तो डिपार्टमेंट आईडी इज प्राइमरी की ऑफ डिपार्टमेंट रिलेशन। तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट आईडी ये क्या है? ये इस रिलेशन के लिए, डिपार्टमेंट रिलेशन के लिए क्या है? प्राइमरी की है। डिपार्टमेंट नेम, नंबर ऑफ टीचर्स, सपोज थ्री केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, आईटी, मैथ, अलग अलग डिपार्टमेंट है और इनका डिपार्टमेंट अलग होगा। नंबर ऑफ टीचर्स 2, 3, 4, 5 अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट आईडी क्या होगा? यूनिक होगा। टीचर्स देखिए कि टीचर्स हर एक डिपार्टमेंट में, मान चलिए कि साइंस डिपार्टमेंट में 5 टीचर हैं तो डिपार्टमेंट आईडी सेम होगा लेकिन टीचर आईडी डिफरेंट होगा। तो इस केस में यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो टीचर आईडी है इट इज़ प्राइमरी की, दिस इज प्राइमरी की फील्ड फॉर टीचर रिलेशन। टीचर रिलेशन के लिए ये प्राइमरी की है। बट हियर वी सी द डिपार्टमेंट आईडी इज कंसिस्ट ऑन बोथ टेबल्स। डिपार्टमेंट आईडी दोनों टेबल में है तो हियर दिस इज प्राइमरी की एंड द टीचर इन टीचर टेबल। सपोज करिए कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट से आईटी डिपार्टमेंट के 5 टीचर्स हैं तो सबका डिपार्टमेंट आईडी सेम होगा लेकिन टीचर आईडी क्या होगा? डिफरेंट होगा। यानी कि यहाँ पे एक डिपार्टमेंट आईडी के लिए यहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट आईडी होंगे। जैसे एक टीचर डिपार्टमेंट, जैसे आपका साइंस 01 या साइंस लिखा हुआ, साइंस डिपार्टमेंट के यहाँ 5 टीचर्स हैं तो जो 5 टीचर्स होंगे उनका डिपार्टमेंट साइंस है तो साइंस मेंशन होगा 5 के लिए। आगे जो हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे सारी चीज़ क्लियर होंगी। इन द फॉलोइंग प्राइमरी की डिपार्टमेंट आईडी इज प्राइमरी की, टीचर आईडी, ये दोनों प्राइमरी की हैं। और आगे देखिए, इन दिस केस यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट आईडी है, दिस डिपार्टमेंट आईडी इन टीचर्स इज कंसीडर्ड एट फॉरेन की। क्यों फॉरेन की है? क्योंकि इसमें जो वैल्यू होंगी देखिए यहाँ पर इस डिपार्टमेंट आईडी में जो वैल्यू होंगी ये किससे रिलेटेड होंगी? इसमें, यानी कि इसमें वही वैल्यू होगा जो इस वाले फील्ड में होगा। सो इन दैट केस दिस डिपार्टमेंट आईडी इज व्हाट? अ फॉरेन की। तो फॉरेन की यानी कि इसमें एक वैल्यू के लिए इसमें मल्टीपल वैल्यू होंगी और अगर ये वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करती तो इसकी एंट्री इसमें नहीं कर पाएंगे। सपोज करिए आपके यहाँ पे वायरोलॉजी का कोई डिपार्टमेंट नहीं है तो उसका इम्प्लाई डिपार्टमेंट आईडी कैसे हो सकता है? इसमें सेकेंड वाले टेबल में नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, तो आप लेक्चर में यहीं पे ऑफर करते हैं और बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक होंगे या जो चीज़ें होंगी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स,
यू शुड प्रिपेयर योर नोट्स इन योर लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन आपसे नहीं हो पा रहा है और लेक्चर तैयार कर रहे हैं, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम भी आती हैं। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किए जाएँ काफ़ी क्लियर हो, नेट एंड क्लीन हो, और इसके हेल्प से आप नोट्स भी तैयार कर सकें। तो अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को बार बार रिप्ले करके आप सुन सकते हैं, और सुनने के बाद अपना नोट्स आप ज़रूर तैयार करें कि आने वाले टाइम में आपका अननेसेसरी टाइम क्लीन ना हो, जब क्लासेस कंटिन्यू हो तो इन टॉपिक को रिपीट न करना पड़े।